सुनो मेरा अभिनय जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी से कल आपका एक तीसरी से गाना रिलीज हो रहा है। हां कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है तीसरी से। आज तो एक हुआ का ब्लॉग हो गया, इंस्टा करिएगा ठीक है, चलते रहता है एक मटक मटक रहता होगी ब्लॉग हो गया तो ठीक है। अगर बढ़ाने वाले लोग हैं तो दाम खींचने वाले भी तो लोग भरती पे ही है। आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट दिया जाता है? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वही चलते हैं ना। लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने, मेरे जीवन के हर पल जो भी है मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। दो चार पांच लोगों के दाम खींचने से मेरी जीवन खराब तो नहीं होने रही, नहीं मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा ये भूल जाइए, आज जो नफरत कर रहा है आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते हैं। अभी एक सीनियर है मेरे यहाँ जाएंगे उसके बाद खेसारी जी, बॉलीवुड में बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसका? बाइकॉट यहाँ तक बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बाइकॉट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट होने के नाते मैं भी मेरे कहने का मतलब दुनिया को क्या लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है। मेरे पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पे, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपनी जमीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज़ पहुँचाया और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है, तो हम बाइकॉट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ है। आप बेहतर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बाइकॉट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है, क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे, तो थोड़ी देर नाराज हैं उस नाराजगी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में ही अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार आएगा तो हम जान देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है और खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है, तो ठीक है उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा। 2024 में आरजेडी की तरफ से अबे सिनेमा का प्रसाद ये तू चुन ले लो, आगे का कार्यक्रम भी करना है। अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुआ है, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना? देखिए हमारे रिसेंट आदमी है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान है एक्टिंग के दौर में, मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए ताकि हम उनको ज़्यादा दिन तक देख सके इस दुनिया पे और उनसे कुछ सीख सके, क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है, तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें। गार्जियन को गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या रखते हैं गणपति बाबा? देखिए मैं भगवान को मानता ही हूँ और मैं अपनी जनता को भी भगवान मानता हूँ, तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति चतुर्थी के जितने भी लोग हैं सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग खुश रहें ताकि हम आपको देख कर। खेसारी जी, राजू श्रीवास्तव जी के लिए अच्छी खबर है कि उनको होश आ गया, कुछ कहेंगे? चलिए वो शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे। मैं राजू भैया को के स्वस्थ के लिए फिर से कामना करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली है, बट जो अभिनेत्रियां हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके से, क्या कहेंगे? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठे, गाने पे बैठे, हाइट भी करें। नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है, भाई मजाक कर रहा था इसको कंट्रोवर्सी बंद कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है, हमेशा से किसी भी अब रीजनल